आपका स्वागत है हमारे टेक्निकल अप्लाई से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये हमारे पास गीज़र लगा हुआ 25 लीटर का, तो यहाँ पे दोस्तों दिक्कत ये आ रही है कि जब इसको हम यूज़ करते हैं तो जैसे हम इसको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा चला कर रखते हैं तो गीज़र ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दोनों लाइट चल रही हैं, तो जब ये बंद हो जाएगा, पूरा ऑटो कट हो जाएगा, तो इसकी एक लाइट जो है बंद हो जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों जब इसमें से हम एक बाल्टी बाहर पानी निकाल लेते हैं तो उसके बाद पानी ठंडा क्यों आना शुरू हो जाता है? तो ये दोस्तों दिक्कत जो होती है ये ज़्यादातर दिसंबर और जनवरी के टाइम में आती है, क्योंकि उस समय ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारे टैंकी का जो पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। उस ठंडा होने की वजह से जैसे इसमें से हम ये एक बाल्टी है जो हमारा गीज़र है यहाँ पर, ये भी एक तरह की बाल्टी ही है। तो ये एक बाल्टी है, इसमें हम जब पानी गर्म हो जाएगा पूरा तो ये पानी पूरा इसमें हीट वाला पानी है। तो जैसे हम इसमें से पानी बाहर निकालेंगे, जैसे हम यहाँ से पानी बाहर निकाल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे इसके अंदर भी पानी, ठंडा पानी अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठंडा पानी इसके अंदर जाएगा तो जो अंदर वाला गर्म पानी है वो भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जैसे हम एक बाल्टी बाहर निकालेंगे तो वैसे एक बाल्टी इसके अंदर चली जाएगी ठंडे पानी की, तो हमारा जो पानी है वो हमें ठंडा मिलना स्टार्ट हो जाता है। यही दोस्तों प्रॉब्लम होती है, ये दोस्तों जनवरी और आपको दिसंबर के महीने में आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये किसकी टेक्निक ही ऐसी बनाई हुई है कि इसमें जो पीछे से पानी जाता है वो ठंडा इसके अंदर चला जाता है और हमें बाल्टी में भी ठंडा पानी हमें मिलता है। तो ये दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका टेक्निक ही ऐसी बनाई है कि ठंडा पानी इसके अंदर जाएगा और तभी दूसरा वाला पानी बाहर आएगा। तो अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, काफ़ी हमें कमेंट भी आ रहे थे, तो लोग हमें पूछ रहे थे हमारे एक बाल्टी पानी बाहर निकल रहा है गर्म, उसके बाद ठंडा आ रहा है, तो उसका मैंने ये वीडियो बनाकर आपको आंसर दिया है। तो आपको मेरी हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।